My dear friends, I am Rajendra Sharma in Social Science, chapter number 1st, Heritage of India. My dear friends, you know very well that heritage means virasat of India, yani ki Bharat ki virasat. Hum Gujarati mein bolte hai, Gujarati mein kahiye chhe apne Bharat no varso. So my dear friends, India is a land of ancient culture. Bharat hai, हमारा इंडिया है और लैंड ऑफ एंशिएंट कल्चर यानी कि प्राचीन संस्कृति है, प्राचीन संस्कृति की लैंड है हमारी जो भारत भूमि है वो प्राचीन है, प्राचीन कल्चर है. तो इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द हिमालयस, इट एक्सटेंड्स उसका विस्तार कहाँ कहाँ पे है, तो माय डियर फ्रेंड इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द हिमालयस इन द नॉर्थ यानी कि उत्तर में हिमालयस एंड टू द इंडियन ओशन इन द साउथ. तो माई डियर फ्रेंड्स इंडियन ओशन इन द साउथ, नॉर्थ में हिमालयस की पर्वतमाला है और जो माउंटेन रेंज बोलाता जाता है और साउथ में है इंडियन ओशन यानी कि भारत हिंद महासागर. इट इज़ कॉल्ड भारतवर्ष, भरतखंड, जम्बूद्वीप एंड आर्यव्रत. तो भारत भूमि को माय डियर फ्रेंड्स भरत वर्ष के भरतखंड से, जम्बूद्वीप से और आर्यव्रत से अलग अलग प्रकार से लोग उसको पहचानते हैं. तो अवर इंडियन कल्चर इज़ ग्रेट माय डियर फ्रेंड्स एंड दैट इज़ व्हाई दुर्लभे भारत जन्म, भारत में जन्म लेना दुर्लभ है क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स भारत ये हमारी वो ऐसी पहचान है कि भारत में जन्म लेना दुर्लभ है. उत्तरम यम समुद्र से हिमादस्य व दक्षिणम वर्ष तद भारत नाम भारती यत्र संसति, यानी कि हमारा देश है ये अवर कंट्री इज गिफ्टेड फ्रॉम सॉरी गिफ्टेड विद द नेचुरल बाउंड्रीज हिमालयस इन द नॉर्थ एंड सी इन द ईस्ट वेस्ट एंड साउथ. जो हमारा कंट्री है हमारा भारत देश गिफ्टेड यानी कि हमको भेंट मिली है, हमको एक गिफ्ट मिली है विद द नेचुरल बाउंड्रीज यानी कि हमारी जो बाउंड्रीज है हमारी कुदरती सीमाएं है जो लाइक हिमालय इन द नॉर्थ, नॉर्थ में उत्तर में हिमालय की पर्वतमाला है, हिमालय माउंटेन रेंज है एंड सी इन द ईस्ट वेस्ट एंड साउथ, पूर्व पश्चिम और दक्षिण में जो हमारे महासागर है, जो अरेबियन सी है, रेड सी है, जो हमारे अलग अलग जो इंडियन ओशन है वो सब तीनों दिशा में है. तो फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड पूरी दुनिया में से माय डियर फ्रेंड्स डिफरेंट कंट्रीज अट्रैक्टेड बाय द इंडियन प्रॉस्पेरिटी. तो सारे वर्ल्ड के पूरी दुनिया के लोग भारतीय संस्कृति से, वर्ल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल ऑफ डिफरेंट कंट्रीज ऑफ ऑल ओवर द वर्ल्ड अट्रैक्टेड मीन्स आकर्षित हुए बाय द इंडियन प्रॉस्पेरिटी. माय डियर फ्रेंड्स इंडियन प्रॉस्पेरिटी यानी भारतीय समृद्धि से एंड केम टू ट्रेड सेटल्ड एंड मिंगलेड विद द इंडियन कल्चर. तो माय डियर फ्रेंड्स इंडिया की प्रॉस्पेरिटी, इंडिया की समृद्धि को देख के जो दुनिया के अलग अलग देश के लोग भारत में आए, क्यों आए मित माय डियर फ्रेंड्स, तो व्यापार करने के लिए यार, सेटल्ड सेटल यानी कि यहाँ पे स्थायी हुए, बसवाट हुए एंड मिंगलेड विद द इंडियन कल्चर. मिंगलेड मीन्स माय डियर फ्रेंड्स मिश्रित हो गए, मिक्स हो गए हमारी भारतीय संस्कृति के साथ, वो मिक्स हो गए. तो ड्यू टू मिक्सचुअल एक्सचेंज मैनी चेंजेस हैव बीन सीन इन आवर कल्चर. ड्यू टू मिक्सचुअल चेंजिंग यानी कि म्यूचुअल चेंजिंग यानी कि एक्सचेंज माय डियर फ्रेंड्स, जो दूसरे कंट्री के लोग उसकी संस्कृति के संस्कार लेके आए और हमारी से संस्कृति के साथ मिक्स हुए और मैनी चेंजेस हैव बीन सीन इन आवर कल्चर, उसके हिसाब से हमारे देश की संस्कृति में अलग अलग प्रकार के जो चेंजेस आने लगे. इन दिस वे आवर हेरिटेज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. इसी वजह से हमारा ये विरासत, हमारा जो हेरिटेज है वो इस ट्रांसफर यानी ट्रांसफर होने लगा, यानी कि एक दूसरी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी से, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होने लगा और इट इज़ कंटिन्यूसली प्रोग्रेसिंग और वो हमेशा प्रोग्रेस करता रहा, एकदम विकास करता रहा. तो बाद में मित्र माय डियर फ्रेंड्स लोकेशन ऑफ इंडिया क्या है, तो लेटिट्यूड 84 नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 एंड लॉन्गिट्यूड 68 डिग्री 7 ईस्ट
एंड 97 डिग्री 25 ईस्ट मिनट, वो हमारा लोकेशन है। तो व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ इंडिया माय डियर फ्रेंड्स? तो टोटल एरिया, ट्राई टू अंडरस्टैंड माय डियर फ्रेंड्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टोटल एरिया ऑफ इंडिया इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। भारत का पूरा जो विस्तार है, एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर उसका एरिया। तो माय डियर फ्रेंड्स, वो दो बातें आपको अभी रिमेम्बर याद रखने की है। इन एंशियंट टाइम, पुराने समय में, प्राचीन समय में, एंड नाउ, एरिया वाइज इट स्टैंड्स, भारत जो एरिया वाइज के विस्तार के तरीके से देखें तो उसकी 7th रैंक पूरे वर्ल्ड में है, और पॉपुलर वाइज देखें या कि बस्ती के बारे में देखें तो 2nd रैंक इंडिया में, इंडिया की जो पूरे वर्ल्ड में है। तो माय डियर फ्रेंड्स, थ्री थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। टोटल एरिया इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, सेकंड इज एरिया वाइज स्टैंड्स ऑन द 7th रैंक, एंड पॉपुलेशन वाइज ऑन द 2nd रैंक। तो माय डियर फ्रेंड्स, वी विल गो अहेड इन नेक्स्ट चैप्टर। नमस्ते।